नमस्ते है जी, एंशंट हीलिंग साइंस से मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एनिमल स्पिरिट गाइड्स के बारे में बात किया था और बहुत सारे एनिमल्स के बात किए थे। उनमें से एक और प्रमुख एनिमल स्पिरिट है वुल्फ, जिसके बारे में आज हम अच्छे से समझेंगे। वुल्फ एक ऐसा स्पिरिट है जो सारे स्पिरिट्स में से, सारे एनिमल स्पिरिट में से सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनमें सारे एनिमल्स के तकरीबन गुण मिलते हैं। मतलब हमारी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस में वुल्फ हमारा काम आता है। एक होता है ना टूल बॉक्स जो होता है, उनमें से कोई एक ऐसा टूल होता है जैसे स्क्रू ड्राइवर या प्लम्बर पाना, वो तकरीबन हर काम में यूज़ आ जाता है, इसलिए मैकेनिक उसे लेकर के घूमता है। इसलिए सारे एनिमल्स को अगर आप नहीं भी यूज़ कर पा रहे हैं तो कम से कम वुल्फ को यूज़ करना सीख जाइए। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ को हम कब कब और कहां कहां इस्तेमाल करेंगे, कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे और कितनी जगहों पर हम इसकी मैजिक का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं और लाइफ हमारे कंट्रोल में आ सकती है, एटलीस्ट हमारी खुद की। वुल्फ स्पिरिट से जुड़ने के दो तरीके हैं, एक तो है स्विचवर्ड, दूसरा है एंजल नंबर। स्विचवर्ड्स तो मैंने बताया, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, बस ये चार वर्ड, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, इसका ही एंचेंट करते हैं और इसका एंजल नंबर है 664। ध्यान रखिए, अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। 664 आप अपने लेफ्ट हैंड में कहीं भी लिख सकते हैं, लेफ्ट बॉडी में कहीं भी लिख सकते हैं। एंजल नंबर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा प्रॉपर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके इसे देख लीजिएगा। एंजल नंबर का इस्तेमाल करना अच्छे से आना ज़रूरी है, तभी इसके सही फ़ायदे मिलते हैं। आज हम स्विच वर्ड्स के थ्रू ही इस एनिमल स्पिरिट को बुला करके इसकी मैजिक का इस्तेमाल करना सीखेंगे। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, इसका एंचेंट करेंगे कैसे कैसे कब कब, मैं बताता हूँ। पहला, जब भी कोई चीज़ खो गई हो, कोई सामान हो, कोई रिश्ता हो, कोई उम्मीद हो, कोई सोच हो, कोई विचार हो, कोई डायरेक्शन हो, या लाइफ में कोई एम या कुछ भी ऐसा जो खो गया है, जो आपको मिल नहीं रहा है, एक छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ तक, अगर कोई चीज़ खो गई है, नहीं मिल रही है, तो वुल्फ मैजिक को बुलाइए, वुल्फ स्पिरिट को बुलाइए अपने अंदर। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, ये इंचेंट करिए, कितने बार मत पूछिए, बस इसे करते रहना है जब तक, मतलब कि एक होता है ना, जब भी ध्यान आया आप करिए, जब भी ध्यान आया आप करिए, इससे आपका माइंड ब्रह्मांड के उस एनर्जी से जुड़ जाएगा जिससे हमने वुल्फ नाम दिया। वुल्फ कोई जानवर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, आप उसे ऐसे पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, भगवान की असीम सत्ता में, ब्रह्मांड की असीम सत्ता में हमने एक डिज़ाइन तैयार किया है कि वुल्फ के नेचर को देखिए, भेड़िए के नेचर को देख के हमने वो डिज़ाइन तैयार किया है कि हाँ, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को अगर हम अपने अंदर खींचते हैं तो हम वो चीज़ कर सकते हैं जहाँ हम फंसे हुए हैं। तो वुल्फ की शक्ति, वो कोई भगवान नहीं है, भगवान की शक्तियों का नाम है जो हमने इंसानों ने रखा है हमारी समझ के लिए। तो कहीं पर भी ये मत सोचिएगा कि मैं आपको अंधविश्वास की तरफ लेके जा रहा हूँ, कि किसी भेड़ियों को भगवान बना रहा हूँ, जी नहीं। तो जब भी कोई चीज़ खो गई हो, उसे पाने के लिए, उसे खोजने के लिए आप वुल्फ मैजिक को अपने अंदर अप्लाई कीजिए। दूसरा, जब भी प्रोटेक्शन चाहते हो, जब भी डर लग रहा हो, जब भी घबराए हुए हो, जब भी आपको अंदर से हिम्मत की कमी आ रही हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, किसी स्टेज में खड़े होकर कुछ बोलना है, किसी से जाके मीटिंग करनी है, कोई इंटरव्यू देना है, कोई प्रेजेंटेशन देना है, किसी से बात करनी, किसी अपने बड़ों से बात करनी है, आपको हिम्मत नहीं आ रहा, आपको डर लग रहा है, या रात को अकेले आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपको डर लग रहा है, तो उस हिम्मत को, उस करेज को पैदा करने के लिए आप वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ का एंचेंट करिए। आपके ध्यान में वुल्फ या वुल्फ की मैजिक नहीं, वो परमपिता परमात्मा वसीम सत्ता ही होनी चाहिए, आप उनसे मांग रहे हो, ये वाला तरीका। तो इससे क्या आपको बहुत इजी हो जाता है रिसीव करना। तीसरा, और कब कर सकते हैं, जब भी आपको स्विच वर्ड्स, जो भी स्विच वर्ड्स आप जानते हैं, उनकी मैजिक को आजमाना हो, तब भी आप वुल्फ मैजिक का इस्तेमाल करिए। सबसे जल्दी यही काम करता है, क्योंकि जैसे कि आपको कहीं जाना है, आप लेट हो रहे हो, ट्रैफिक है, आपको लगता है कि अब आप लेट हो जाओगे, आप नहीं पहुंच पाओगे। जैसे कि मैं कभी कभी हॉस्पिटल जाने के लिए लेट हो रहा होता हूँ, रास्ते मुझे मालूम है रोज़ नॉर्मली ट्रैफिक होता है, तो आज भी होगा, तो मैं ये इंचेंट करता हूँ, तो मैं
टाइम पे पहुंच जाता हूँ। इसके अलावा कहीं पे एकदम उम्मीद ख़त्म हो गई हो कि हाँ मेडिकल स्टोर रात के 10 बज चुके हैं, आपको दवाई लेने जानी है और वो ख़त्म मेडिकल स्टोर, यार यार प्लीज़ बंद ना हुआ, वो वुल्फ मैजिक बिगिंस ना हो, वो मैजिक बिगिंस ना हो, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे कि उस मेडिकल वाले के दुकान में ज़्यादा कस्टमर आ गए होंगे, इसलिए दवाई बिक्री के चक्कर में वो दुकान बंद नहीं कर पाया है, क्लोज़ नहीं कर पाया, तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह के मैजिक आपको देखने हैं, जैसे कि आपको स्कूल पहुँचना है, कॉलेज पहुँचना है, कहीं से आना है, कुछ कुछ भी जो भी लगता है कि यहाँ पे यार फंस गए हम तो नहीं हो सकते, तो उस मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए एक बार ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर बहुत बढ़िया काम होता है। चौथा, फंस गए हो कहीं लाइफ में, कहीं भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, ऐसा है कि आपने 90% एफर्ट डाल दिया, सिर्फ 10% किसी और की वजह से काम रुका हुआ है, कोई वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या किसी कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, सारे फॉर्मेलिटीज हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन पता नहीं किस वजह से बात रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है, कोई सरकारी दफ्तर में कोई काम लगा हुआ है, कोई से परमिशन के लिए अप्रूवल के लिए आपने दिया है, सब कुछ हो गया है, इवन आपने रिश्वत भी दे दिया है, उसके बाद भी कहीं एक चीज़ रुकी हुई है, वो क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रही। जब समझ में ना आ रहा हो, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, उस स्पिरिट को बुलाइए, उस शक्ति को अपने अंदर बुलाइए और देखिए कितनी जल्दी रास्ता मिलेगा, कितनी जल्दी आसानी से काम होगा। और बहुत ही कितने सारे एग्जांपल्स है, पता है ये चीज़ समझाती है, मैं इतना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को सच में आज पहली बार कुछ ना ऐसा पुख्ता मैजिक दे रहा हूँ जो सच में बहुत जल्दी काम करता है। रीकी हीलिंग को करने के लिए साधना चाहिए, बहुत विश्वास चाहिए, दृढ़ता चाहिए, और तब ये ऐसी चीज़ है जो बहुत कम विश्वास से कोई भी इसे कर सकता है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझाते हुए। इसके अलावा पांचवा और एक बोनस बोल सकते हैं इसे कि लाइफ में जब कुछ समझ में आ रहा हो, रास्ते नहीं मिल रहे हो, ये भी नहीं समझ में आ रहा हो कि आप चाहते क्या हो, वो क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ लाइफ में, मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ज़िंदगी बस जी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, दोपहर हो जा रहा है, शाम हो जा रहा है, रात हो जा रही है, सो जा रहे हैं, हफ्ते बीत जा रहे हैं, महीने बीत जा रहे हैं, पिछला साल कैसे बीता समझ में नहीं आ रहा है। जब भी इस तरह के हालात से गुजर रहे हो कि लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई मोटिवेशन काम नहीं आ रहा है, तब भी आप ये कीजिए, कौन से भगवान के पास जाएं ये समझ में नहीं आ रहा, कहाँ माथा टेकें ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये कीजिए, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, इंचेंट कीजिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आपको रास्ता मिलेगा, आपको अपने ही पसंद के कामों में से कोई एक काम आपके अंदर से बाहर आएगा और आपसे कहेगा कि तू ये कर, ये तुझे फलेगा, उसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा, वो आपको करने का मन भी करेगा, उसके साथ आप बाकी सारी फालतू की चीज़ों को छोड़कर आपको अपना मकसद मिलेगा, करने का मन करेगा और लाइफ आपको सच में लगेगी कि अब आप एक्चुअली जी रहे हो। बट स्टिल मैंने आपको बताया कि इससे कोई भगवान समझने की ज़रूरत नहीं, इसकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं, एक फॉर्मूला है, मैथ्स मैथ्स ही है, दो और दो मिलकर चार ही होते हैं, हमेशा से होते थे, बिल्कुल वैसे ही भगवान का ये जो मैजिक है, ये मतलब इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का जो मैजिक है, उसको समझने के लिए हमने इस तरीके को समझाया, अपने आप को समझाने के लिए है ये। बहती हुई नदी से आप पानी कैसे लाओगे, आपको कुछ चाहिए ना, बाल्टी चाहिए ना, हाँ तो उस शेप में बाल्टी के उस शेप में पानी को ऐसे उठा करके लेके आते हो, बिना बाल्टी के क्या पानी नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, आप अपनी हथेली में ला सकते हो, कोई और तरीके से ला सकते हो, लेकिन आसान क्या है, बाल्टी में डुबाना, लेकर के आ जाना। तो ये वुल्फ मैजिक हमारी समझ के लिए इसे ऐसा तैयार किया गया है, बहुत सिद्धों ने किया है, बहुत समझदार लोगों ने किया, नॉर्थ मैथोलॉजी के लोगों ने इसे अच्छे से बनाया है, समझाया है। तो और सब चीज़ छोड़ो, आप ये देखो ना, हज़ारों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, तो बस उठाइए, अंधविश्वास समझ के नहीं, सिर्फ विश्वास समझ के इसका फ़ायदा उठाइए और देखिए ये कितना अच्छे से काम आएगा। आपको पता है अभी ना 12:30 होने को है दोपहर के, और मुझे 2 बजे हॉस्पिटल पहुंचना होता है, 2 बजे हॉस्पिटल से मेरी ड्यूटी चालू हो जाती है, लोग मेरा वेट कर रहे हैं और मैं लेट हो रहा हूँ। अभी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं वुल्फ मैजिक को बुलाना शुरू कर दूंगा, ये देखो मैंने लिख भी रखा है 664, जल्दी से सब कुछ निपटा के उस ऊर्जा के साथ मैं वहाँ पहुँचूंगा, ताकि जो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, जो लोग कंसल्टेंसी के लिए मेरा वेट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लगा के बैठे हुए, उनका मैं अच्छे से समाधान कर सकूं, उन्हें सही कंसल्टेंसी दे सकूं और अपना काम अच्छे से कर सकूं, उनका काम अच्छे से निपटा सकूं, इसके लिए मैं वुल्फ मैजिक को अपने अंदर बुला रहा हूं। अब मैं बुलाना शुरू कर दिया हूं, इस वीडियो में ही आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा एनर्जी से भरा हुआ हूं, नॉर्मली वीडियो में बहुत शांति से बात करता हूं, आज मैं काफ़ी एनर्जी में बात कर रहा हूं। तो फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है, आजमाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और अपने आसपास के लोगों को भी और दूसरों की भी लाइफ को बेहतर बनाइए। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते अजी।